एक हॉस्पिटल में हल्ला मचा हुआ था, बहुत सारे लोग शोर मचा रहे थे और उस शोर में ये आवाज आ रही थी कि डॉक्टर को जल्दी बुलाओ, नहीं तो ये हम हॉस्पिटल तोड़ देंगे। और ऐसा होता है बहुत सारी जगह पे, ऐसा होता है। अब ये जब आवाज हॉस्पिटल का स्टाफ सुन रहा था तो हॉस्पिटल का पूरा स्टाफ डर गया था और बार बार वो भी डॉक्टर को फोन कर रहे थे कि एक मेडिकल इमरजेंसी आ गए है, लोग हल्ला मचा रहे हैं और आपको जल्दी आना पड़ेगा। 5-10 मिनट बाद डॉक्टर आए और भागदौड़ करते हुए आते हुए ऑपरेशन थिएटर में जाने लगे, तब भी लोग उनपे चिल्लाने लगे कि आपको कैसे समझता नहीं डॉक्टर होके कि आपने हॉस्पिटल में रहना चाहिए और आप बाहर एंजॉय कर रहे हो। डॉक्टर ने बातों को अनसुना किया और सीधा ऑपरेशन थिएटर में चले गए। तकरीबन 4 घंटे वो ऑपरेशन चला और 4 घंटे के बाद में डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आने के बाद में ये बोलते हैं कि आपका पेशेंट अब ठीक है, उसकी जान बच गई है। और इतना कह के वो डॉक्टर फिर से एक बार हॉस्पिटल के बाहर तुरंत जाने लगते हैं। फिर पेशेंट एक बार चिल्लाते हैं कि कैसे डॉक्टर है, अभी आए और अभी चल दिए। तो डॉक्टर का जो असिस्टेंट होते हैं वो बोलते हैं कि डॉक्टर का जो लड़का है उसका अंतिम संस्कार है और उसके अंतिम संस्कार में वो डॉक्टर जा रहे हैं। फिर वो जो पेशेंट के रिलेटिव होते हैं वो ये पूछते हैं कि क्या हुआ था, तो आपके 16 साल के लड़के ने 4-व्हीलर में बैठ के जिस 8 साल के बच्चों को उड़ाया था उसी का अंतिम संस्कार है। आपका बेटा तो चला गया, आपका बेटा तो जिंदा है लेकिन डॉक्टर साहब का बेटा चला गया, उनके बेटे का अंतिम संस्कार रोक के उन्होंने आपके बेटे का ऑपरेशन किया, आपने उनके बेटे को मारा और आपके बेटे को उन्होंने बचाया, ऐसे होते डॉक्टर। शायद ऐसा लग रहा होगा कि ये बात या ये स्टोरी इमेजिनरी है, लेकिन नहीं है। ऐसा बहुत जगह पे बहुत बार हो चुका है। बहुत सारे लोग आते हैं, डॉक्टर्स को धमकी देते हैं, डॉक्टर से अच्छी तरह से बात नहीं करते और उसके बाद में भी डॉक्टर अपनी पूरी ताकत से, पूरी ईमानदारी से, पूरी मेहनत से, जी जान लगाकर मेहनत करके आपकी जान बचाते हैं। तो हमको यहाँ पे ये समझना पड़ेगा कि जो डॉक्टर होते हैं वही ईश्वर का एक रूप है। जिस ईश्वर ने ये शरीर बनाया, ये मन बनाया, एक ऐसा रूप बनाया इस नेचर का जो सर्वश्रेष्ठ है, उनको बचाने का काम यहाँ पे डॉक्टर्स करते हैं। और आगे चल के जो स्टूडेंट्स ने यहाँ पे एडमिशन ली है वो लोग इन्हीं डॉक्टर लोगों का साथ देने जा रहे हैं। तो आप भी डॉक्टर लोगों के उस टीम में शामिल होने जा रहे हैं जो हजारों लोगों की, करोड़ों लोगों की जिंदगियां बचाने वाले हो। तो अगर आपको उस जिंदगी को बचाना है, उस समाज को बचाना है, समाज के उस अस्तित्व को बचाना है जिसके वजह से यह समाज बना है, तो आपको सबसे पहले इस शरीर को समझना पड़ेगा जो शरीर इस नेचर ने बनाया है। इस शरीर के 3 हिस्से हैं। एक शरीर जो हमें दिखता है, हमें उसको बचाना है, लेकिन उसके पीछे 2 चीजें काम कर रही होती है। एक होता है मन और दूसरा होता है वो ऊर्जा जो इस मन को और इस शरीर को चला रही होती है। अब होता यह है कि हमारे मन में हजारों सोच आती है, हजारों विचार आते हैं, हजारों थॉट्स आते हैं और वो जो थॉट होता है वो बॉडी के हर सेल पे एक्ट होता है। हर सेल पे एक्ट होने के बाद में बॉडी काम करती है और बाद में जो ऊर्जा है वो उस चीज को, वो जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है दोनों के बीच में, मन और शरीर के बीच में, उसको फील करती है, फीलिंग्स। अब जब एक पेशेंट बीमार हो जाता है तो उसके घर वाले और वो पेशेंट खुद शारीरिक स्तर पे कमजोर हो जाता है। शारीरिक स्तर पे कमजोर होने के बाद में उसके मन जो है वो सबसे पहले बहकने लगता है, उसका मन कमजोर हो जाता है, उसमें हजारों थॉट्स आने लगते हैं और उसकी फीलिंग जो है वो खराब होने लगती है, उसको अच्छा महसूस नहीं होता है। और उस फीलिंग को आपको अच्छा बनाना है, उस फीलिंग को आपको मजबूत बनाना है। अगर वैसा आपको करना है तो सबसे पहले आपको खुद को बहुत ज्यादा मजबूत रहना पड़ेगा। एक ऐसा इंसान आपके पास आने वाला है जो शारीरिक रूप से कमजोर हो चुका है, जो मानसिक रूप से कमजोर हो चुका है और जो फीलिंग्स के रूप में कमजोर हो चुका है, उसको आपको संभालना है तो सबसे पहले आपको मेंटली, फिजिकली, इंटेलेक्चुअली स्ट्रांग बनना पड़ेगा कि कोई भी इंसान अगर मेरे सामने आता है तो मुझे, अगर वो मेरे साथ में खराब बिहेवियर भी रखता है तो मुझे उसके जैसा बिहेव ना करके शांति से, ताकत से, अपने अनुभव से, अपने ज्ञान से उसको शांत करके उसकी जिंदगी बचानी है, समाज की जिंदगी बचानी है, आने वाली पीढ़ी की जिंदगी बचानी है। क्योंकि अगर आप मजबूत रहेंगे तो ही वहां पे शारीरिक स्तर, मानसिक स्तर या फीलिंग्स सामने वाले की आप संभाल पाएंगे। तो आप ऐसे कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो, उन लोगों के कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो जिनको देख के मैं भी प्रेरणा लेता हूं। डॉक्टर राम बाजर सर, डॉक्टर रुशाली बाजर मैडम, इनको 24 घंटे काम करते देखता हूं। अगर मान के चलिए कि खाना खा रहे होते हैं तो भी पेशेंट का फोन आता है, तो भी ऊपर से नीचे आ जाना। अगर बाहर गए हैं, घूमने के लिए जा रहे हैं,
तो भी वहां से आधे में से अगर पेशेंट का फोन आता है तो वहां से निकल के आना। 24 घंटे में अगर आप डॉक्टर की लाइफ देखते हो तो वहां पे उनको सोने को भी नहीं मिलता, खाना खाने को भी नहीं मिलता, और अपना कुछ भी वहां पे एग्जिस्टेंस ना रखते हुए वो दूसरों का एग्जिस्टेंस अगर वहां पे तैयार कर रहे हैं, उनकी सेवा में लगे हुए हैं, तो हमारा ये काम बनता है कि जिस टीम में हम शामिल होने जा रहे हैं, डॉक्टर लोगों की टीम में शामिल होने जा रहे हैं, हमको उनको समझना पड़ेगा, उन जैसा बनना पड़ेगा, और उस सेवा में हमें वहां पे अपना भाग लेना पड़ेगा जो मानवता की या फिर उस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी सेवा है। मुझे यहाँ पे बुलाया, मुझे ये सम्मान दिया कि मैं स्टेज पे बैठूं और आपके सामने दो शब्द बोल पाऊं, इसलिए मैं सारी टीम का आभार व्यक्त करता हूं और ये आश्वासन देता हूं कि कॉलेज में अगर कभी भी किसी भी चीज की जरूरत पड़े, मेरे समय की जरूरत पड़े, तो मैं आपके साथ में हमेशा रहूंगा। धन्यवाद। थैंक यू।